बहुत सारे सवाल उठे और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि इसमें गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जहां एक तरफ उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी तरफ वो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। ये कहा जा सकता है कि एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है अपनी 400 प्लस सीटों को लेकर। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें रखेंगे जो उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव में रखी। जी हाँ, 1 तारीख को देश में अंतरिम बजट पेश किया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट था। इस अंतरिम बजट को जब पेश किया गया, बहुत छोटा सा ये बजट था, 1 घंटे में ही निर्मला सीतारमण का जो भाषण है, वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो खत्म हो गया। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठे और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि इसमें गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जहां एक तरफ उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी तरफ वो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ उनका कहना है कि बीजेपी तो 370 है ही, 370 बीजेपी है, एनडीए लेकिन 400 के पार है। तो संसद से सीधे तौर पर यह कह देना कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता और एक कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ये कहा जा सकता है कि एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है अपनी 400 प्लस सीटों को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, थोड़ी सी झलक आपको सुना देते हैं और दिखा भी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे हैं। उन्होंने 370 का जिक्र किया कि हम सब ने 370 खत्म होते देखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दूसरे कार्यकाल में कानून बना। अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक, सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज उठती हुई नजर आई। इसके अलावा उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कि एनडीए को 400 और बीजेपी को 370 सीटें जरूर मिलेंगी। पीएम मोदी ने यह दावा किया है। आप सोचिए कि चारों खाने चित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 से 125 दिन बाकी है। मैं संख्याओं पर नहीं जाता लेकिन मैं देश का मूड देख रहा हूं। इससे एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगी और बीजेपी को 370 सीटें जरूर मिलेगी। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले लेने वाला होगा। अब सोचिए कि अभी खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 100 से 125 दिन बाकी है, यानी कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या फिर वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर अपनी योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया। कुछ दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1970 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, इशारा कांग्रेस की तरफ था। कांग्रेस ओबीसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो गिनती करती रहती है कि सरकार में कितने ओबीसी हैं, क्या आप यहाँ सबसे बड़ा ओबीसी नहीं देख सकते, यानी कि ये इशारा किस तरफ था, आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से पूरा ताना बाना बुना है। वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया है कि क्या आपको नहीं दिखाई देता सदन के अंदर कितना बड़ा ओबीसी खड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है बीजेपी के अंदर, वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। जहां एक तरफ गठबंधन जो है अपने गठजोड़ की लगातार कोशिश कर रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक के बाद एक कई पत्ते फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार अगर इस सरकार की इस रफ्तार की कल्पना भी करती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती भारत की। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं, इनमें से 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से काम हुआ होता तो इतना काम हमने 100 साल में भी पूरे नहीं हो पाते, 100 पीढ़ियां लग जाती। और जब प्रधानमंत्री बात करें वो भी सदन के अंदर, और कांग्रेस पर जो वो कटाक्ष करते हैं और इंदिरा और नेहरू का नाम ले ले, ऐसा कैसे
हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी की सोच भी जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा अलग नहीं थी। उन्होंने लाल किले से कहा था कि दुर्भाग्यवश हमारी आदत यह है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने लाल किले से कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी हैं। यहाँ पर भी यानी कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूँ, उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि उन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया, यानी कि विपक्ष में। आप लोग जिस तरह इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूँ कि जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पर है उससे भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आमतौर पर ये आंकड़े वांकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। ये धन्यवाद प्रस्ताव था या विपक्ष पर निशाना था कह पाना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक पंडित तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी है कि भाई हम तो 400 पार करने वाले, अगर आप में दम हो तो आप भी आ जाइए लाइन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कह रहा है कि अब की बार 400 पार, बीजेपी को 370 सीटें जरूर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल ज्यादा दूर नहीं, तीसरा कार्यकाल अगले 1000 साल की मजबूत नींव रखेगा। आप सोचिए यहाँ पर राम मंदिर आस्था का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कार्यकाल में यूपीए के गड्ढे भरते रहे, दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत का लक्ष्य रहेगा। वहीं इन्होंने गठबंधन पर वार कर दिया। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही भानुमति का कुनबा जोड़ा गया, अब अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया है, अब सब एकला चलो की राह पर है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे। इधर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता से देश को बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस का विश्वास हमेशा एक परिवार के प्रति रहा, एक परिवार के आगे वो ना कुछ सोच सकते थे ना ही कुछ समझ सकते थे। परिवारवाद पर भी निशाना साध दिया। विपक्ष के बहुत लोग खो चुके हैं चुनाव लड़ने का हौसला। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार नजर आया। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके हैं। मैंने सुना है कि बहुत लोग सीट बदलने की फिराक में हैं, बहुत लोग लोकसभा के बदले अब राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो पहले से ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दहाड़ है ना सदन के अंदर वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर कटाक्ष तो करेगा ही, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण आज नजर आया, शायद ही आपने कभी इतना आक्रामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा सदन के अंदर। ठीक है, वो जब देश पर कोई किसी तरीके का कोई हमला होता है या कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी होती है तब वो काफी आक्रोशित नजर आती है, जैसे कि पुलवामा में जब अटैक हुआ था वो एक तरफ शुद्ध थे ही, एक तरफ वो भावुक भी थे, लेकिन तीसरी तरफ वो काफी ज्यादा आक्रामक भी थे कि बदला हमें शहादत का लेना है। तो सदन के अंदर अमूमन ऐसा दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जेस्चर है, लेकिन आज वो जेस्चर काफी आक्रामक था। ऐसा लग रहा था साम दाम दंड भेद बस और बस विपक्ष को निस्तनाबूद करना है। कुछ ऐसी तस्वीर आज नजर आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी आज है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनका सामर्थ्य तो देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए, देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कब तक समाज को बांटेगा। विपक्ष के इस हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देश को स्वस्थ और अच्छे विपक्ष की जरूरत है। इतने साल हो गए विपक्ष नेता नहीं बदल पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद का खामियाजा देश ने उठाया है। कांग्रेस की दुकान में ताला लगाने की नौबत आ गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संसद के अंदर इस नए भवन में जब राष्ट्रपति हमें संबोधित करने आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल और पूरे जुलूस का नेतृत्व किया, हम सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नए सदन में नई परंपरा भारत की आज़ादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली आती है। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव था वो राष्ट्रपति के लिए होता है, प्रोटोकॉल तो यही कहता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सियासी तीर छोड़े हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन को ये कहने के लिए कि भाई आप ठहर जाओ, आप चाहे जितनी भी जोड़ तोड़ कर लो, हम 400 प्लस लेने वाले हैं। और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। और विपक्ष कहीं ना कहीं अब ये समझ रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से गठजोड़ की राजनीति करके 400 प्लस की सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। अब गठबंधन इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है और गठबंधन आगे अपने आप को कितना मजबूत करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाते जाते आपको थोड़ा सा सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर हमला बोला। अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां। तो अब सवाल ये है कि महज 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल जो है वो संसद के अंदर से ही फूंक दिया है चुनाव का। अब गठबंधन किस तरह से आगे पीछे करते हुए अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, क्या वो अपने आप को मजबूत इतना कर पाएगा? क्या इन सब बातों की काट विपक्ष के पास है? जनता को सोचना है, जनता जनार्दन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहना था वो कह दिया धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान और इशारे इशारे में उन्होंने विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लताड़ दिया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि आने वाले समय में 400 प्लस हम जीतने वाले हैं, क्या आम जनता उनके साथ है? भारत टाइम में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।